किस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हम धीरे धीरे उपवास काल के आखिरी छोर में पहुंच रहे हैं और इस वक्त प्रभु हमारे मनन चिंतन के लिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 18 से 27 को दिए हैं। आज के इस सुसमाचार के जरिए प्रभु ईसा हमें एक ख्रिस्ती जीवन के रहस्य को समझा रहे हैं। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखना कि तुमसे पहले उसने मुझको बैर किया है। प्रभु ईसा की इस बात आज हमारे जीवन में स्पष्ट है कि जो प्रभु ईसा पर के साथ रहेंगे और उन पर विश्वास करेंगे उन्हें संसार कष्ट देगा। उन्हें कई प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि संसार ने प्रभु को भी सताया है जो इस संसार के मुक्ति के लिए इस धरती पर आए थे, लेकिन संसार के लोगों ने उसे दोषी ठहरा कर मार डाला। हम सभी ईसा के अनुयायी बनकर इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें भी अपने दिन प्रतिदिन के छोटे बड़े सभी दुखों और कष्टों को सहन करते हुए प्रभु की ईसा की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि आज के इस आधुनिक जमाना में हमारा ख्रिस्ती जीवन एक चुनौती का जीवन है। आज के इस आधुनिक युग में हमें देखने को मिलता है कि ख्रिस्ती जीवन एक चुनौती का जीवन है और हमारे ईसाइयों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रही हैं। कई देशों या राज्यों में ईसाइयों को मार डाला जा रहा है, तो कहीं गिरजाघरों की तोड़फोड़ हो रही है। बहुत से ख्रिस्ती भाई बहन अपने ख्रिस्ती विश्वास के कारण अत्याचार सह रहे हैं और अपने जीवन को खतरे में रखते हुए प्रभु ईसा का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमें इस अत्याचार से नहीं डरना है बल्कि इसे धैर्य के साथ सहन करना है। इसलिए आज प्रभु ईसा हमें ढारस बंधा रहे हैं कि हमें उनसे नहीं डरना चाहिए जो शरीर को तो मार सकते हैं बल्कि आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि हम भी इस संसार के नहीं हैं। हम प्रत्येक ईसाइयों का कर्तव्य है कि हम प्रभु ईसा के गवाह बने या साक्ष्य दें। हम सभी जानते हैं कि प्रभु ईसा के शिष्यगण आरंभ से ईसा के साथ रहे थे और वे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर ईसा के गवाह बने। प्यारे दोस्तों, यह सच है कि आज हम ईसा के साथ नहीं हैं, लेकिन हमने उनके वचन सुने हैं, उनमें विश्वास किया है और अब हम उसे जानते हैं। इसलिए हम सभी प्रकार के अत्याचारों को सहन करते हुए प्रभु ईसा के एक सच्चे गवाह बने। तो आइए हम भी पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वे हम पर उतरकर हमें अभिषिक्त कर हमें साहसी बना दें, जिससे हमारे जीवन में आने वाले अत्याचारों को हम धैर्यपूर्वक सहन करते हुए ईसा के साक्षी बनें।